हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रा हट के स्नेहा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया स्टार्टर लेकर आई हूँ जो अभी तक आपने यूट्यूब में नहीं देखा होगा, बिल्कुल नया है और इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और हेल्दी भी है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर आलू लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं और इनको अच्छे से छील लेते हैं। इसके बाद हम इनको एक कटोरी का शेप देंगे। आलू को मैंने ऐसे बिल्कुल जैसे कटोरी का शेप देते हैं वैसे कटोरी जैसा शेप दिया है। आप चाहें तो वाटरमेलन स्कूपर होता है या फिर आइसक्रीम स्कूपर होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्कूपर था नहीं इसलिए मैंने इसे स्पून से और नाइफ़ की हेल्प से इसके कटोरी का शेप देने का कोशिश किया हुआ है। आप भी ऐसे ही करेंगे तो बहुत, मेरे से तो बहुत आसानी से हो गया था। आप भी अगर ट्राई करेंगे घर पर तो बहुत आसानी से कटोरी जैसा आपको शेप मिल जाएगा। इस तरह से हमने जितने भी आलू लिए थे सबसे पहले उसको छील के उसके 2 पार्ट किए, इसके बाद उन्हें कटोरी का शेप देकर आलू की कटोरी जैसा एक शेप बनाया। ये दोस्तों बहुत यूनिक स्टार्टर, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी है दोस्तों। ये दोस्तों इस तरह से हमने चाकू और स्पून की हेल्प से ये हमने कटोरियां बना ली हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर डेट्स लिए हैं जो कि 140 रुपए में 500 ग्राम मिला हुआ है। डेट्स बेसिकली हम लोग सर्दियों में खाते हैं। ये स्टार्टर अगर आप सर्दियों में ये स्नैक बनाएं बहुत हेल्दी होता है, बहुत सही रहता है क्योंकि डेट्स बहुत गर्म होते हैं, सर्दियों में खाने में बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमने ये डेट्स लिए हैं। मैंने करीब 100 ग्राम यहाँ पर डेट्स निकाल लिया है। अब इसके बाद में सारे डेट्स से हम यहाँ पर इसके जो बीज होते हैं वो निकाल के अलग कर लेंगे। डेट्स थोड़ा सा हमारा टाइट होता है, इसकी फिलिंग बनाएंगे तो ये आलू जो होती है वो बीच से ब्रेक हो जाएंगी, इसलिए सबसे पहले हम डेट्स को 30 सेकेंड तक इसे हम माइक्रोवेव करेंगे। आप अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप गर्म पानी कीजिए, उसके ऊपर कटोरी रखिए और उस कटोरी में डेट्स रखिए तो थोड़ा सा डेट्स हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये जो डेट्स हैं हमारे ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इनमें खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए हमने यहाँ पर ढेर सारी ग्रीन चिली ऐड की हुई है। आपको अगर मीठा खाना है तो आप ग्रीन चिली थोड़ी कम कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने जिंजर ऐड किया हुआ है। इसके बाद चाट मसाला हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, जो कि चटपटा टेस्ट देगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने 1 पिंच गर्म मसाला यूज़ किया हुआ है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर यूज़ किया हुआ जो कि रोस्टेड है। थोड़ा सा मैंने वाइट पेपर यूज़ किया हुआ है 1 पिंच अकॉर्डिंग, और नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसकी फिलिंग बनाई है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी यूज़ की हुई है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी क्योंकि मैं इसका वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। ये मैंने करीब 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर ग्रीन चटनी ली हुई है। अब इसको हाथों की मदद से इसे एक अच्छा सा फिलिंग सॉफ्ट डो बिल्कुल बना लेना है, बहुत अच्छा सा जैसा आटा टाइप का होता है ना उस तरह का सॉफ्ट डो बिल्कुल बना लेना है ताकि जब हम इसको पोटैटो के अंदर डालेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा। ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा डो मैंने बना लिया, बहुत आसानी से इसको हम हाथों की मदद से हम इसको मसल के तैयार कर देंगे। इस तरह से हमारा डेट्स का जो डो था वो बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम एक फ्राई पैन रखते हैं या कढ़ाई रखते हैं। मैं हमेशा फ्राइंग के लिए लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पर तेल काफ़ी अच्छी अमाउंट में है और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, आप देख रहे हैं तेल के ऊपर बुलबुले छूट रहे हैं। तो इसमें मैं एक एक करके जितनी भी मैंने आलू की कटोरियाँ बनाई थी वो इसको डालूंगी और इसे फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे बॉयल कर सकते हैं, अगर आपको कम ऑयली खाना है आप बिल्कुल हल्का सा बॉयल कीजिएगा। मतलब कि अगर आप इसे बॉयल कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट आप इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट गर्म पानी में डाल के केवल 20-30% ही आप इसे बॉयल कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बॉयल करने की अपेक्षा हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर ले रहे हैं, इसको डीप फ्राई किया हुआ। और ऐसे करके सारे हम यहाँ पर कटोरियाँ फ्राई कर करके अलग से निकाल लेंगे।
दोस्तों इस तरह से हमने सारे जो कटोरियाँ थी उनको फ्राई करके अलग कर लिया है। इसमें तेल बहुत ज़्यादा एक्सेस था, इसलिए मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर की हेल्प से सारा जो तेल था उसको कोशिश किया हुआ है कि थोड़ा सा मैं यहाँ से तेल रिमूव कर सकूँ। इस तरह से मैंने सारी कटोरियाँ तैयार कर ली हैं। अब कटोरियों को तैयार करने के बाद में जो मैंने डो तैयार किया हुआ था डेट्स का, अब मैं इसके अंदर फिल करूँगी। बहुत अच्छे से फिल हो जाता है, बहुत सॉफ्ट सा रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो आपकी कटोरी ब्रेक होती है और ना ही आपको मतलब डेट्स रहता है तो काफ़ी गीला सा रहता है डो, तो आराम से ये कटोरियों में चिपक जाता है। इस तरह से हम सारी कटोरियों में ये डो भर के तैयार कर लेते हैं। सारी कटोरियों में फिलिंग भरने के बाद में दोस्तों अब हमने यहाँ पर एक चीज़ लिया हुआ है जो कि मोज़रेला चीज़ है, अमूल का डाइस चीज़ लिया हुआ है मैंने। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ ले सकते हैं। ये मुझे 113 रुपए में मिला हुआ है और ये 200 ग्राम इसकी जो नेट क्वांटिटी होती है वो 200 ग्राम है। अब मैं इसमें एक लेयर जो मैंने कटोरियाँ बना के तैयार की हुई थी, अब इसके अंदर एक लेयर जो ऊपर की होगी वो मैं इसको चीज़ का लेयर दूंगी। तो इस तरह से मैंने ऊपर की जो लेयर है उसमें मैंने यहाँ पर चीज़ भर दिया है और बहुत अच्छी अमाउंट में मैंने यहाँ पर चीज़ भर दिया है। सारी चीज़ भर देने के बाद में मैं यहाँ पर इसे करीब 2 मिनट के लिए बेक करूँगी अवन पे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे मतलब मैंने यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस पे इसे बेक किया हुआ है फॉर 2 to 3 मिनट्स। आप इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। तो मैं इसे बेक करने के लिए रख दे रही हूँ दोस्तों। ये हमारे खजूरी आलू कबाब बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली और थोड़ा सा ऑर्गेनो ऊपर से डालेंगे, जिससे आपको लगेगा कि अब बहुत अमेजिंग स्टार्टर है, बहुत यम्मी है। एक बार प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़े भी बहुत चाव से खाएंगे और हेल्दी रेसिपी है। ऑयली अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आप पोटैटो को बॉयल कर सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी रहता है। अगर आप गेस्ट आ रहे हैं तो आप एज ए स्टार्टर एज ए स्नैक्स आप इसे ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।